तो हम अभी जाने वाले हैं ऊपर, और ऊपर जाके मोटर रूम का नजारा देंगे। वाओ, दिस इज सो सो अमेजिंग। मतलब आप देखो यहाँ पे पूरा आप टेबल सेटअप किया हुआ है, और अच्छी तरीके से आप बैठ सकते हो पूरा बस के ऊपर। एकदम टाइटेनिक वाला जो पोज है, उस पोज के अंदर पूरा अच्छी तरीके से आप एंजॉय कर सकते हो। तो अभी हम पहुंच गए हैं बन्नाद्रा, और ये जो है वो MTDC रिसोर्ट है, और हमारा जो मोटर होम है उसको सेटअप करने का टाइम आ गया है। नाउ उसको सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना पड़ेगा, और उसको इलेक्ट्रिक कनेक्शन देने के लिए हमें इस वायर का जो कनेक्शन है उसको लगाना पड़ेगा। तो ये जो प्लग है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा दिया है, और इसको हम थोड़ा लंबा करके पंप हाउस तक लंबा करेंगे, और फिर उसके बाद हम यूज करेंगे वेलक्रो को निकाल। निशान पहले वो टेबल वो टेबल स्क्वायर वाला उतारना पड़ेगा। टेबल पहले ये वायर सेटअप कर देते हैं। हाँ। सो दोस्तों 2 मिनट दे दो, वायर को सेटअप करके हम मिलते हैं। तो दोस्तों 1 मिनट। तो दोस्तों शाम के कितने बजे है तपन? टाइम देखना, 5:33, मतलब अभी 5:30 बजे है, और हम अभी जबरदस्त वाला कुछ नज़ारा देखने वाले हैं। नीचे कहाँ से नीचे जाने के लिए? लेक, लेक पे। ओके, थैंक यू। तो अभी हम नीचे जाएंगे और नीचे लेक पे जाएंगे, और वहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। नज़ारा देख रहे हो पंडातरा लेक का नज़ारा है, और आप पूरा इसका व्यू देख सकते हो अच्छी तरीके से। अभी हम वहाँ पे नीचे जाएंगे। तो ये है बंदरदरा लेक, और वो लेक का इवनिंग का टाइम, और पूरा जो माउंटेन्स का जो सीरीज़ है वो, और ये वहाँ पे तक जा सकते हैं, नीचे तक भी जा सकते हैं, लेकिन जो पूरा सीरीज़ है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप पूरा इसको मैं जूम करके आपको दिखा सकता हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाथ नहीं सेकने हैं अपने को पॉपकॉर्न बनाने का, और यहाँ पे हमने गैस को चालू कर दिया है, और अभी आप पूरा वो गाड़ी का नज़ारा देख सकते हो ना। वो 1 मिनट हमारे दर्शकों को ये रिंग लाइट हमने लगाई है, जिससे थोड़ा क्या कि उजाला रहेगा, और ये पूरा ऊपर आप देख सकते हो, पूरा ऊपर हमने रखा है, आपको सुबह में उसका और अच्छा नज़ारा मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अभी
गरम हो रहा है, अभी गरम लग रहा है। तो अभी क्या करना है, तो ये पॉपकॉर्न, सबसे पहले स्टार्ट हम कर रहे हैं पॉपकॉर्न बना। आपको पूरा पूरा प्रोसेस बताएंगे आज हम क्या क्या खाने वाले हैं। सो चालू कर दो। सो अभी दो मिनट में तैयार हो गए हैं हमारे लवली 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 बटर पॉपकॉर्न। लेट मी टेस्ट ऑफ माय। यम्मी हम, चलो यम्मी स्नैप इज गॉड। अभी शाम का टाइम हो गया और मस्त पवन चल रहा है, हमों को ठंडी लग रही है, बट क्या है कि बहुत बहुत जबरदस्त वाला मजा आएगा गाइस। आप एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार ट्राई करना। आई नो अगर आप पुणे में रहोगे तो आपको थोड़ा 4 घंटे का ड्राइव करना पड़ेगा इस व्हीकल को लेने में, लेकिन गाइस वर्थ इट है। आप देखो यार, मतलब यहाँ पे बैठे बैठे हम पॉपकॉर्न का मजा ले रहे हैं। कोई रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सीधा पॉपकॉर्न बनाओ, खाओ, जलसा करो। और भी बहुत कुछ बनाने वाले हैं, पर अभी सबसे पहले पॉपकॉर्न से उद्घाटन किया है। तो दोस्तों मॉर्निंग के बजे है 5 और 5 बजे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बनाना शुरू किया है चाय। कल तो हम नाश्ता करके ऐसे ही सो गए थे, अभी गर्मा गर्म चाय बनने वाले हैं। आप उसके कुछ शॉट्स देखो। सब कुछ पैकअप कर दिया है, अभी हम जाने के लिए तैयार हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और आप यहाँ का पूरा व्यू जो है वो देख सकते हो। तो देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है ये पूरा बंदरदरा जो आर्थल लेक है उसका नज़ारा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। It's so beautiful, so amazing. Thank you.
पूरा वैली आप अच्छे से देख पाओगे। इगतपुरी का म्यांमार गेट और ये सबसे आइकॉनिक जगह है। आप मतलब यहाँ पे आके उसकी जो सुंदरता है उसको फील कर सकते हो। मैंने कैमरे में ट्राई किया है कैप्चर करने का, एक्चुअली में कोविड की वजह से ये अभी बंद है, नहीं जा सकते अंदर, बट लाइक इनक्रेडिबल, दिस इज़ समथिंग रियली ग्रेट। आप देखो कितना प्यारा लग रहा है और उसका जो अंदर अंदर से जो पूरा काम किया गया है गोल्डन के अंदर, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। Next to me, trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. अभी हमारी मोस्ट डिलीशियस मैगी तैयार हो गई है। यहाँ पे व्यू है और व्यू के साथ वी आर एंजॉयिंग द मैगी ऑन द वे विथ म्यूजिक एंड मोटरफोन फन। चलो sit with me, talking through the night into the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next. Okay, so ये जो है वो बड़ा वाला मोटर होम है जिसके अंदर हम अभी जा रहे हैं और आप पूरा देख सकते हो उसको अंदर से। क्या सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे वॉशरूम दिया हुआ है यहाँ पे आप नाना धोना सब कुछ कर सकते हो। और आप अगर देखोगे तो ये पूरा मोटर होम जो है यहाँ पे आप पूरा सोफा दिया हुआ है देख रहे हो। और सोफे के साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा मिरर देखे रखा है। अब मिरर की वजह से क्या होता है कि जो जगह होती है वो और ज़्यादा बड़ी लगती है, राइट। और पूरा टीवी का यहाँ पे अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है। अगर आप थोड़ा आगे जाके देखोगे तो यहाँ पे पूरा जो सेटअप है वो किया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा बटन के जो सेटिंग्स है वो देके रखे हैं। प्लस आप यहाँ पे भी आपको एक सोफ़ा मिल जाता है और सेंटर टेबल भी यहाँ पे मिल जाता है। लाइक मोटा मोटा ये वैनिटी कार जैसे लग रहा है लेकिन बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। और ये जो विंडोज़ है उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। सो आई थिंक ओके, यहाँ से विंडोज़ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी कुछ देखे रखा हुआ है। ओके वाओ, सो यहाँ पे किचन का पूरा सेटअप है और किचन में यहाँ पे आपको मिल जाती है चिमनी के साथ साथ आपको मिल जाएगा थ्री स्टोव
यहाँ पे अली काका है और सब फ्रूट काटने का और सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। वाओ, यहाँ पे आप किचन के जो यूटेंसिल्स है उसको भी धो सकते हो और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको देख सकते हो किचन को। तो वो हो जाएगा आपका वॉशरूम, ये हो जाएगा आपका किचन और डबल बेड है। आई थिंक दो डबल बेड है, मतलब चार लोग, चार नहीं, छः लोग आराम से सो सकते हैं। तो ऊपर का जो इंटीरियर है लाइट का और वो बहुत सही है, मतलब पहले है ऊपर और ऊपर जाके मोटर रूम का नज़ारा देंगे। वाओ, दिस इज सो सो अमेजिंग। मतलब आप देखो यहाँ पे पूरा आप टेबल सेटअप किया हुआ है और अच्छी तरीके से आप बैठ सकते हो पूरा बस के ऊपर, एकदम टाइटेनिक वाला जो पोज है उस पोज के अंदर पूरा अच्छी तरीके से आप एंजॉय कर सकते हो। दिस इज लाइक रियली रियली ग्रेट वैन, यू नो, आपको एडवेंचर मिल पाएगा। नाउ यू कैन सीट एंड लाइक कैसा लगा पूरा सभी आप देख रहे होंगे कि मैं और नमू हम मोटर होम के ऊपर बैठे हुए हैं और ये थोड़ा महंगा है, पड़ेगा 21,000 पर डे, लेकिन वर्थ इट है। मतलब बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आएगी और यहाँ पे क्या है कि आपको मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। आप ऐसा मान लो कि आप चलती फिरती होटल में ही बैठे हो और अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो बस में वर्क फ्रॉम बस भी कर सकते हो आप, ये वाला चीज़ है। बट बहुत रिलैक्सिंग है और बहुत अच्छा है, ख़ास करके पूरा अगर मोटर होम को देखो तो पूरा एसी है, 2 AC सिस्टम है, तो जिसकी वजह से क्या है कि मोटर होम जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। प्लस तपन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इस मोटर होम में ये वाला पार्ट जो है वो मेरे हिसाब से फोटोग्राफी और व्लॉगर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि जब हमें व्लॉग करना होता है तब क्या है कि बारी बारी से गाड़ी खड़ी रखनी पड़ती है और गाड़ी खड़ी रख के वो मोमेंट का वेट करना पड़ता है। लेकिन अगर मेरे को ऐसा मोटर होम मिल जाए तो आई थिंक हम दोनों सिर्फ ऊपर ही रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे हम, चेयर सर सो रिलैक्स, कैमरा सेटिंग कर देंगे और माउंट कर देंगे इसको कहीं पे, पूरे पूरे रास्ता का लाइव रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। लाइव क्या, बड़ा टाइम लैप्स भी ले सकते हैं अपन बहुत बड़ा वाला टाइम लैप्स ले सकते हैं। चलो, तो अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आप उसको लाइक करो, कमेंट करो और इफ़ यू वांट टू रिक्वेस्ट कि हम इसको राइड करें तो उसको भी रिक्वेस्ट करो, देखते हैं अगर आपका ज़्यादा प्यार मिलेगा comments. तो लाइक कर देंगे। सिया।